नमस्कार मित्रों, जय सियाराम। मित्रों, आज हम अपने चैनल विराट ज्योतिष चिंतन में चर्चा करेंगे एक महत्वपूर्ण तिथि की, एक महत्वपूर्ण दिवस की। मित्रों, ये महत्वपूर्ण और अति लाभकारी तिथि है अक्षय तृतीया, जो कल यानी 7 मई 2019 दिन मंगलवार को पड़ रही है। मित्रों, अक्षय का मतलब होता है कि जिसका क्षय या नाश न हो, तो इस तिथि का कभी क्षय नहीं होता और इसमें जो कार्य किए जाते हैं उनका भी कभी क्षय नहीं होता। मित्रों, ज्योतिष की बात करें तो ज्योतिष में सूर्य और चंद्रमा दो बड़े ही महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं, जिनके बिना ज्योतिष की कल्पना भी नहीं की जा सकती। हालांकि चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है, लेकिन ज्योतिष में इसकी इम्पॉर्टेंस है, इतनी इम्पॉर्टेंस है कि इसे ग्रह की भांति विचार में लाया जाता है। इसलिए लग्न कुंडली के साथ साथ चंद्र कुंडली और सूर्य कुंडली का भी महत्व होता है। सूर्य और चंद्रमा की गतियों से ही तिथियां बनती हैं। सभी तिथियों का मित्रों क्षय भी हो सकता है, परंतु तृतीया तिथि ही एक ऐसी तिथि है कि जिसका क्षय नहीं होता। तो ये तृतीया तिथि का महत्व बहुत है, परंतु तृतीया तिथि तो वर्ष में 24 बार आती है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष को मिलाकर। लेकिन इनमें जो तृतीया वैशाख शुक्ल पक्ष की होती है, वही तो अक्षय तृतीया कहलाती है। और मित्रों, इस तिथि का महत्व तो और भी बढ़ जाता है। इस तरह अक्षय तृतीया वर्ष में एक बार ही आती है, वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया, और ये बड़ी ही शक्तिशाली महत्वपूर्ण पुण्यकारी तिथि मानी जाती है। ये तिथि हमारे लिए एक अवसर लेकर आती है जब हम ऐसे कार्य कर सकते हैं जिनके फल का कभी क्षय नहीं होता। अक्षय तृतीया को अखतीज भी कहा जाता है और ये एक अबूझ मुहूर्त भी होता है। मित्रों, यानी इस दिन आप कोई भी शुभ कार्य बिना किसी से पूछे कर सकते हैं। एक विशेष बात ये भी देखिए मित्रों कि इस दिन ज्योतिष के दोनों ही बड़े महत्वपूर्ण ग्रह सूर्य और चंद्रमा अपनी अपनी उच्च राशियों में होते हैं, यानी सूर्य मेष राशि में तो चंद्रमा वृषभ राशि में। मित्रों, इस दिन खरीदारी भी करना शुभ रहता है, ऐसी मान्यता है। इस दिन विशेष रूप से सोने चांदी के आभूषणों को लोग खरीदते हैं। घर गृहस्थी की वस्तुएं, वाहन आदि भी खरीदना शुभ माना जाता है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि इस दिन की खरीदी हुई वस्तुएं कभी नष्ट नहीं होंगी, उनका क्षय नहीं होगा। मित्रों, हर भौतिक वस्तु का एक ना एक दिन क्षय होता ही है। यहाँ तक हमारे शरीर का भी एक दिन क्षय होना निश्चित है। अक्षय कुछ भी नहीं यहाँ पर इस धरती पर, अक्षय यदि कुछ है तो वे हैं हमारे कर्म फल, चाहे पुण्य कर्म हो या पाप कर्म, वे कभी क्षय नहीं होते। अतः इस दिन आप कुछ भी खरीदें, सोना चांदी वाहन कुछ भी खरीदें, खरीदना शुभ होता है क्योंकि एक अच्छा मुहूर्त होता है इस दिन। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है मित्रों इस दिन की, वह ये कि इस दिन आप अच्छे कार्य करें, जप तप पूजा साधना आराधना दान करें, इनसे मिलने वाला फल अक्षय होगा और कई गुना होगा। इस दिन दान करने का बड़ा महत्व है। इस दिन का दान महादान कहलाता है। एक बात और ध्यान में आ गई इस तिथि की महत्ता को लेकर। ऐसी मान्यता है कि सतयुग और त्रेता का प्रारंभ इसी तिथि को हुआ था। भगवान विष्णु के अवतार भगवान श्री परशुराम भी इसी दिन प्रकट हुए थे। तो मित्रों, अक्षय तृतीया एक ऐसी तिथि है जिसमें पाप और पुण्य फल अक्षय हो जाता है। यही कारण है कि हम इस दिन
कई प्रकार की धार्मिक व आध्यात्मिक गतिविधियों को संपादित करते हैं। आइए जानते हैं कि इस दिन हम क्या क्या कर सकते हैं। इस दिन हम मित्रों भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी, भगवान परशुराम की पूजा करें, आराधना करें, प्रातःकाल गंगा जी में स्नान करें, भगवान विष्णु की पूजा करके कथा सुने, उसके बाद यथाशक्ति दान करें। इस दिन दान बहुत ही पूर्ण फलदायी होता है। अन्न वस्त्र भोजन जल आदि यथाशक्ति जो भी है आपके मन में वो दान कर सकते हैं। यदि संभव हो तो स्थिति को उपवास भी रखें। किसी ब्राह्मण को जौ के सत्तू, खरबूजा, ककड़ी, घड़ा, सुराही, पंखा आदि ऐसी वस्तुएं दान में दें जो गर्मी से राहत प्रदान करती हों। इस दिन स्वर्ण दान का भी बड़ा महत्व है, लेकिन यह हर किसी के लिए संभव नहीं। परंतु ये तो संभव है कि इस दिन हम शरबत बनवाकर उसे वितरित करें, ज़रूरतमंद को यथाशक्ति दान करें। इस दिन हम पीपल, बरगद, पाकड़ जैसे पौधे भी लगा सकते हैं। इससे बड़े ही पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। अंत में मित्रों एक उपाय बताकर अपनी बात समाप्त करूंगा। मित्रों जो लोग आर्थिक कठिनाइयों में रहते हैं, आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं, उनके लिए ये तिथि एक बड़ा अवसर लेकर आती है। आर्थिक रूप से संपन्न होने का एक बड़ा अवसर उपलब्ध होता है। इस दिन आप स्फटिक का एक श्री यंत्र खरीदें, स्फटिक की माला खरीदें और एक माला कमल गट्टे की खरीदें। घर आकर एक चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर और कमल गट्टे की माला के ऊपर स्फटिक यंत्र की स्थापना करें और उसके बाद माता लक्ष्मी के किसी भी मंत्र की 21 माला का जप कर सकते हैं। निश्चित रूप से आपकी आर्थिक उन्नति जरूर होगी, अवश्य होगी। तो मित्रों इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगले वीडियो में मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक जी आराम, नमस्कार।